तो फिर पिछले वाले एपिसोड में मुझे एक टेंपल मिला, फिर उसके बाद मुझे दूसरा टेंपल मिला, फिर उसके बाद मुझे तीसरा टेंपल मिला, फिर उसके बाद चौथा टेंपल भी मिला, और फिर मुझे ये प्यारा सा डेजर्ट विलेज भी मिल गया, और साथ ही साथ इतना सारा लूट। देख रहे हो क्या क्या चीज़ है मेरे पास? नहीं ऐसा बोलो, क्या नहीं है मेरे पास? ये देखो चार चार एन्चांटेड बुक है, और देखो छह डायमंड्स, और फिर डायमंड और आर्मर भी है, और ये देखो एन्चांटेड गोल्डन एप्पल, एन्चांटेड। कभी देखा है तुम लोग ने इतना सारा लक? हे ऐसा लग रहा है कि मेरे बालों में आग लग गई है। और ये देखो आज का सुहाना मौसम, इतना मस्त शेडर्स है ना। और ये क्या कर रहा है यहाँ? हम लोग इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं ना। तो फिर ये 26 आलू के बदले हमको देगा एक एमरल्ड। आलू तो नहीं है मेरे पास, और कुछ अच्छा ट्रेड है क्या तुम लोग के पास? 5 एमरल्ड के बदले एक कुलाड़ी देगा। पहले यहाँ पे 3 लिखा हुआ था ना, अब इधर 5 क्यों आ रहा है? अरे महंगाई क्यों बढ़ा रहा है? मैंने देखो मारा भी नहीं, मन तो कर रहा है इसको एक घूसा मारूं, बट यहाँ पर ये आयरन गोलम है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैंने गलती से मारा, प्लीज बच गया, और बाल बाल बचा। और मैं हमेशा भूल के जाता हूँ कि मैं हार्डकोर में हूँ। तो फिर अब वो आयरन गोलम मेरा इंतजार कर रहा होगा बाहर। हेलो, कहाँ गए हो? और ये देखो यहाँ पर दो दो क्रीपर मेरा वेट कर रहे हैं। अरे चार चार, बाप रे। चलो अभी रात हो रही है तो फिर सो जाते हैं, गुड नाइट। ओके चलो सुबह हो गई, और अभी आयरन गोलम मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है ना? वो रहा आयरन गोलम, मारेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं मारेगा। यस यू आर माई फ्रेंड, गलती से मारा था मैंने, देखो। हाँ तो अभी क्योंकि मेरे पास अभी इतना सारा कीमती सामान है, इसलिए मुझे अभी वापस अपने घर पे जाना पड़ेगा और इन कीमती सामान को छुपा के रखना पड़ेगा। देखो मुझे पहली बार इतना अच्छा अच्छा आइटम्स मिला है, इसलिए ऐसी जगह छुपाऊंगा ना कि मैं खुद भी नहीं ढूंढ पाऊँ। ओए देख क्या रहा है तू, मेरे कीमती आइटम पे नज़र लगाता है? दूर रहे मेरे से वरना मारेगा इससे। ओके तो फिर घर मेरा अभी बहुत दूर है, इसलिए मैं चल के तो जा नहीं सकता, क्योंकि देखो खाना भी बहुत कम है मेरे पास, इसलिए मुझे एक घोड़ा भाड़े पे लेना पड़ेगा। तो है क्या तुम लोग के पास घोड़ा? देख मैं देखो 10 डायमंड देगा, 10। कभी देखा भी है 10 डायमंड? आई थिंक मुझे खुद ही एक घोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये क्या, इस मासूम से खरगोश को यहाँ पे बंदी बना के रखा है इन लोग ने। जा आज़ाद हो जा तू, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो फिर बाय बाय विलेज, बहुत मज़ा आया यहाँ पे रह के। ये देखो मुझे बाय बोलने आया है। ओए स्केलेटन, मुझे कोई भिड़ना नहीं है अभी, भागो ऐसे। ओके यहाँ पर मैं सेफ हूँ, तो फिर अब बस जल्दी से मुझे एक घोड़ा मिल जाए। ओए देखो यहाँ पे एक कद्दू है, अरे इन कद्दू का क्या काम आता है, इनको हम लोग खा भी नहीं सकते। A few minutes later. ओ घोड़ा, हेलो घोड़े लोग। तो फिर मैं लूँगा इसे, अभी रात भी होने वाली है, जल्दी फटाफट करते हैं। अरे अरे मैं तेरा दोस्त हूँ दोस्त, चल जल्दी तो मारू मैं एक। क्या खाएगा तू? ब्रेड खाएगा? ले खा। अच्छा ये ले बीट खा, ये ले सब खा ले, अब तो बैठने दे। अरे इतना सारा खाना खिलाया तेरे को, अरे कोई तो आ जाओ मेरे साथ। वो आया, यही ना बात। तो चलो इसको सैडल पहनाते और निकलते हैं। बेड है मेरे पास, यस, गुड नाइट हॉर्स। तो फिर चलते हैं अपने प्यारे से घर पे। एक मिनट, घर का कोऑर्डिनेट्स क्या था? हाँ मैंने एक पेपर पे लिखा था, तो फिर अभी वो पेपर ढूंढना पड़ेगा मुझे। A few moments later. ओके ओके मिल गया मिल गया। ओके तो फिर मैं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके हो गया। तो फिर मैं अभी 3000 ब्लॉक दूर हूँ अपने घर से, बापरे बहुत ट्रैवल करना है अभी। और आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट आ गए, यस वो देखो लो फाइनली मिल ही गया। और अब आई थिंक तेरा काम खत्म हो चुका है, ला भी वो सैडल ला, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा के दिया इतनी कड़ी धूप में भी, इसे मैं तुझे एक इनाम देना चाहता हूँ। ये ले, ये पूरा का पूरा एक हेबेल दे रहा हूँ तुझे, जितना खाना है खा लेना। हेलो विलेजर्स, आ गया मैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो चलो अभी हम लोग अपना घर देख के आते हैं। एक मिनट, अभी तो तुमने खाया नहीं है,
लगता है इसको नहीं खाना है, मैं खा लूंगा। यस, ये देखो मैं आ गया। किसी ने परेशान तो नहीं किया ना तुम लोग को? तो फिर एक का नाम है स्पिरिट और एक का नाम नाम दूसरे का नाम क्या था यार, मैं अपने खुद के घोड़ों का नाम ही भूल जाता हूँ। हाँ याद आया, एक का नाम था स्पिरिट और एक का नाम था फ्यूरी। हाँ तो फिर स्पिरिट और फ्यूरी, एक मिनट, बट कौन स्पिरिट है कौन फ्यूरी है? एक काम करता हूँ, ये राइट साइड में रहेगा फ्यूरी और लेफ्ट साइड में रहेगा स्पिरिट। और हाँ, मेरे पास तुम लोग के लिए एक मस्त सरप्राइज है। पहले तो मेरे पास बहुत सारा खाना है तुम्हारे लिए, खा लो जितना खाना है। और दूसरा, मैंने तुम्हारे लिए सैडल लाया है और हॉर्स आर्मर भी। वाओ, कितने तगड़े लग रहे हो तुम लोग। अरे अब मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो भी चलो, अभी रात हो रही है, तो भी रात को हम कुछ तूफानी करेंगे। ओह देखा मैं कितना रिस्क लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए अभी के अभी हाँ सब्सक्राइब कर दो और इन दोनों के लिए एक लाइक भी मार दो। ओके चलो अभी सो जाते हैं। तो फिर अब क्योंकि मेरे पास इतना सारा कीमती सामान है, इसलिए इनके लिए मुझे एक सीक्रेट बेसमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो कोई भी चोरी कर सकता है ये सब, वैसे तो मेरे अलावा कोई है नहीं, बट फिर भी क्या पता इन विलेजर्स ने चोरी कर ली है। देखो 15 डायमंड है मेरे पास, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए आज हम लोग बनाएंगे एक सीक्रेट बेसमेंट। तो फिर इस सीक्रेट बेसमेंट को हम लोग बनाएंगे, ये यहाँ पे बनाते क्या? एकदम खुफिया रास्ता दिख रहा है ये। पहले तो मैं नीचे तक गड्ढा खोदता हूँ और अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगा, क्या करता हूँ मैं यार? अभी रात की हो रही है, एक काम करते पहले तो हम लोग ना सो जाते यहाँ पे। ओके ओके, तो बन गया एक छोटा सा हाइड आउट। तो फिर अभी मैं थोड़े से टॉर्चेस लेके आता हूँ। ओके, फिर एक टॉर्च यहाँ पे लगाते और एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक चेस्ट, यहाँ पे एक चेस्ट। तो फिर अब मैं सारा कीमती सामान रख देता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पे मैंने एक मस्त वाला सीक्रेट बेस बना लिया है और अब टाइम है इसे हिडन रखने का। देखो इतना भी अच्छा सीक्रेट बेसमेंट नहीं बनाने वाला। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग को एक साइन बोर्ड यहाँ पे लगाना है और एक साइन बोर्ड यहाँ पे, और इसके अंदर लिखना है। फिर तुम लोग को एक पानी का बकेट लेना है और फिर इस पानी को यहाँ पे लगाना है, और फिर तुम लोग को है ना एक और पानी का बकेट लेना है और फिर इसको यहाँ पे लगाना है। फिर तुम लोग को एक और पानी का बकेट लेना है और इसको यहाँ पे लगाना है, और बन गया हमारा सीक्रेट बेस। तो फिर अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इसके अंदर जाना कैसे। सबसे पहले तुमको यहाँ पे आना है, फिर इस पानी के अंदर जाना है, और फिर ये जो छोटा सा होल दिख रहा है इसके अंदर हम लोग को स्विम करना है, और आ गए हम लोग अपने सीक्रेट बेस में, है ना एकदम सिंपल। तो फिर अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे फिर से हमको स्विम करना है, और फिर स्विम करते करते एकदम ऊपर जाना है। हो गया। तो फिर डायमंड हाइड करने के लिए एकदम मस्त सीक्रेट बेस है, मतलब समझो कोई यहाँ पर आ भी गया और अगर उसने नीचे अगर देख भी लिया तो फिर उसे ये बस नॉर्मल पानी लगने वाला है। तो फिर चलो, हम लोग ने अपने डायमंड्स को छुपा दिए। तो फिर अब तुम लोग है ना कमेंट्स में बताओ कि मैं इतने सारे डायमंड्स का क्या करूँ। आई थिंक मुझे एक फुल सेट आर्मर बना लेना चाहिए। तो फिर चलो गाइस, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक करो, और न्यू तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना। तो चलो गाइस, मैं मिलूंगा तुम लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।